एक दिन ख्वाजा साहब का एक जंगल से गुजर हुआ, जहां आपको एक गवाला अपनी बछिया चराते हुए मिला। ख्वाजा साहब ने उससे फरमाया, ऐ गवाले, क्या हमें दूध का एक कटोरा मिल जाएगा? चरवाहे ने जवाब दिया, छोटी बछिया है, दूध नहीं देती। ख्वाजा साहब ने फरमाया, तुम अपनी बछिया का दूध निकालो तो। ये दूध नहीं देती, छोटी बछिया है, दूध कहाँ से दूं निकाल के। छोटी बछिया है तो क्या हुआ, अरे मियाँ तुम कोशिश करके तो देखो। आप कैसी बातें कर रहे हैं? ख्वाजा साहब ने फरमाया, अरे मियाँ फिर वही बात, तुम कोशिश करके क्यों नहीं देखते, बछिया जरूर दूध देगी। क्या बोल रहे हो, ये दूध नहीं देगी? ख्वाजा साहब ने फरमाया, मियाँ तुम बड़े जिद्दी हो, हम कहते हैं ना ये बछिया दूध जरूर देगी। ये बछिया और दूध नहीं, छोटी सी बछिया है, ये दूध नहीं देगी बाबा। ख्वाजा साहब ने फरमाया, ये बछिया दूध जरूर देगी। आप गलत कह रहे हैं। आखिरकार ख्वाजा साहब ने अपनी करामत दिखाई और फौरन एक मटका नमूदार हुआ। गवाले ने हैरत से देखा कि बछिया के थनों से दूध जारी हो गया। गवाला हैरत से देखता रहा और बछिया के थनों से दूध निकलता रहा। पल भर में मटका भर गया और उसकी हैरत की इंतहा न रही। मटका हवा के दोष पर सवार हो गया। गवाला हैरत से देखता रहा। मटका आहिस्ता आहिस्ता ख्वाजा साहब की तरफ जाने लगा और गवाला हैरत से उसे देखता रहा कि आखिर ये कहाँ जा रहा है। और मटका ख्वाजा साहब के पास जाकर रुक गया और फिर ख्वाजा साहब ने मटके से दूध का एक प्याला निकाला और नोश फरमाया। तो ये थी ख्वाजा साहब की एक और छोटी सी करामत।